अरब जो इस वक्त बड़े शेर बने हुए ना, जिस वक्त आज कर रहे हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विसाल से पहले, इस दुनिया से रुखसत होने से पहले जो चंद वसीयतें की हैं, उनमें से अब्दुल्ला बिन मसूद की जो अहम तरीन वसीयत थी जो आपने हज़रत उमर को सुनाई थी, तो आपने कहा था ला यज्तमुल दीनैन फी जज़ीरतिल अरब, अगर तुम मेरे मानने वाले हो तो जज़ीरतुल अरब के अंदर दो दीनों को जमा मत होने देना, खा वो ईसाई हो, खा वो यहूदी हो, खा वो हिंदू हो, खा कोई और हो, ये जितने लोग खा दुबई के अंदर वो बन रहा है या कोई प्रॉमिस लैंड के अंदर, नहीं आपने जमा होने देना। ये जो आप वो कर रहे हैं, ये बुनियादी तौर पर अरबों को कहा गया, मुझे नहीं कहा गया। इसलिए अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब की तबाही, इन पर तबाही आएगी। ये जो रसूल सल्लम के अहकामात के मुनकर हो रहे हैं ना, उनको क्योंकि बुनियादी एड्रेस वो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़िकाम, अरबों की बर्बादी शुरू हो चुकी है। अरब ममालिक रफ्ता रफ्ता अपनी अकदार को, अपनी सकाफतों के अंदर खंजर घोंपने के लिए यहूदियों को अपनी ज़मीनें दे रहे हैं। सलमान खान इंडिया के बड़े मशहूर फिल्म स्टार हैं, उनको सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे सऊदी अरब गए ताकि वो सऊदी अरब के अंदर गाना बजाना की महफिल करें। वो सऊदी अरब के अंदर उन्होंने वीडियो के मेन हिस्से में पहुंचने के लिए आप थोड़ा सा वीडियो स्किप करें और सीधा वीडियो के मेन भाग तक पहुंचे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे सऊदी अरब के खिलाफ एक अलग हेट जनरेट है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और उसका रीजन आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में जिस तरीके के चेंजेस आ रहे हैं, आपको भी पता है कि परिवर्तन ही संसार का एक नियम है, और वही कुछ सऊदी अरेबिया में दिख रहा है, वो प्रोग्रेसिव हो रहा है और वहां पर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि मतलब पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका के मुसलमानों के लिए काफी ज्यादा निराशाजनक है। अगर आपको ये चीजें पता करनी है कि निराशाजनक किस तरीके से जो रिएक्शन है, वो सोशल मीडिया पर आप चेक करें, कॉमेंट सेक्शन में चेक करें, रिएक्शन पे चेक करें, और बहुत सारी ऐसी जगह आप चेक कर सकते हैं, उनके रिएक्शन देख सकते हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहाँ पर तो ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है, स्पेशली पाकिस्तान में सऊदी अरेबिया के खिलाफ की बैन कंसर्न, ये वो फलाना ठिकाना। भाई, सऊदी अरेबिया एक अलग कंट्री, उनका देश, वो जाने, आपको क्या लेना देना है ना। आप जैसे इंडिया को बोलते हो कि वो वहाँ पर चिकन खाते, वहाँ पर गऊ मांस खाते हैं, तो उनका देश वो जाने, तो ऐसे ही उनका देश है, वो जाने, उनको लेना देना, तुमको क्या इससे फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके का हेट है, आप पूरा वीडियो देखिए, फिर वीडियो के अंतिम भाग में करते हैं और भी कुछ बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दीजिए। सलमान खान इंडिया के बड़े मशहूर फिल्म स्टार हैं, उनको सऊदी अरब के जो वली अहद हैं, जो क्राउन प्रिंस हैं, मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे सऊदी अरब गए ताकि वो सऊदी अरब के अंदर गाना बजाना की महफिल करें। वो सऊदी अरब के अंदर उन्होंने जो एक दबंग टूर का नाम दिया गया उनके टूर को, और जस्टिन बीबर भी वहां पे थे, जस्टिन बीबर और सलमान खान। अब ये देखें, इस जैसे लोग अगर वहां पे जाते हैं, अब आप इमेजिन कर लें, और वो कंसर्ट करते हैं, तो क्या सऊदी अरब दुनिया को क्या अपना चेहरा दिखाना चाहता है? सऊदी अरब दुनिया को चेहरा दिखाना चाहता है कि भाई हमारे मुल्क में अब शिल्पा शेट्टी भी आएगी, जैकलिन फर्नांडिस भी आएगी, जस्टिन बीबर भी आएगा, और वो रोशन ख्याली की बात कर रहे हैं, और वो सऊदी अरब जो है, ये हुकूमत ने अपने शैडो के नीचे, अंडर द शैडो ऑफ द क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्या पाकिस्तान में हम ऐसा सोच सकते हैं? क्या पाकिस्तान में ऐसी कोई बात की जा सकती है कि यहाँ पे इस तरह के सिंगिंग जो है वो सिंगर्स आ सकते हैं, या डांस होगा, या इस तरह के जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आएगी? हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम तो सारी एंटरटेनमेंट इंडिया से ग्रैब करते हैं। सिनेमाज में कल मैं देख रहा था, वो पाकिस्तान के छोरे छोरे किस्म के एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, जो जरा कहीं दूसरे मुल्क से कोई एक्ट्रेस आ जाए, एक्टर आ जाए, कोई चीज आ जाए, वो घबरा जाते हैं, अब ये आ जाएगा। मैं नाम नहीं लेना पसंद करूंगा, अच्छा नहीं लगता, लेकिन बड़ा जो है वो फिल्म स्टार है पाकिस्तान का, उसने कहा जी कि वो हमें वजीर आजम साहब को चाहिए कि भारत से कोई फिल्म ना आए। अच्छा, भारत से ना आए कोई बात नहीं, भाई ना आएगी सिनेमा में तो क्या फर्क पड़ता है? आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? लोग तो यूट्यूब पे फिल्में देख लेते हैं आजकल, पूरी की पूरी फिल्में यूट्यूब पे पड़ी हुई है, फेसबुक पे पड़ी हुई है, फिल्में जो है वो पायरेटेड
वो नेटफ्लिक्स पे पड़ी हुई है, अमेजोन प्राइम पे पड़ी हुई है, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं? आप 400 रुपये 500 रुपये अमेजोन प्राइम का दें, आप सारे के सारे बॉलीवुड की एक्सेस है आपको, आप 1500 रुपये दें उसको नेटफ्लिक्स को, तो पूरी दुनिया की मूवीज की एक्सेस है। आप अपनी 6 फिल्में लेके बैठे हुए हैं, अपने आप अपने दिल खोल लें। अगर देखें ये जो फ्री मार्केट वर्ल्ड है ना, इसमें कंपटीशन होता है, इसमें ये नहीं होता कि ठीक है जनाब हम बाहर नहीं जाएंगे और बाहर से अंदर नहीं आएगा, ये तो बड़ी गलत अप्रोच है। इसमें सर्वाइव ही वो करता है फ्री मार्केट इकोनॉमी में जिसके पास ज्यादा टैलेंट होगा, जिसके पास आइडिया होगा। अब सलमान खान सऊदी अरब में जाके 80,000 लोगों के सामने शिरकत कर रहा है, और अब सलमान खान को बॉलीवुड का भाई कहा जाता है ना, भाई भाई, वो हम अक्सर सुनते हैं उनके बारे में। द पॉइंट इज कि सऊदी अरब किस तरह ट्रांसफॉर्म कर रहा है और पाकिस्तान के अंदर क्या है। यहाँ पे अगर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी कॉलेज के अंदर कोई कंसल्ट हो जाए, कुछ हो जाए, तो लोग जो है वो कहते हैं बंद करो इसको, और हुकूमत कहती है अच्छा अब ये उरियानी व फहाशी और ये चीजें जो हैं अब ये यूनिवर्सिटी में होंगे, ये हमारी मादर मिल्लत, ये हमारी दरसगाहें जो हैं ये इन चीजों के लिए रह गई हैं। अब इसको देखें, सऊदी अरब ने अगर जस्टिन बीबर जो है वो 6 दिसंबर को रियाद में गया और उसने कंसर्ट किया, वहां 70,000 अफराद थे, सलमान खान जाता है 80,000 अफराद वहां पे आते हैं। अब इससे देखें आपके लिए कि सऊदी अरब जो है वो किस तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। भाई अरबों को समझ आ गई कि आप सिर्फ जो है वो मजहब जो है ये एक इंडिविजुअल और पर्सनल मैटर है। अब सऊदियों ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई ठीक है लोग आप अपना मजहबी, अब क्योंकि मक्का मदीना वहां पे है, रोजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे है, ये सारा कुछ वहां है, तो उन्होंने कहा भाई अच्छा तरीका ये है कि ठीक है एंटरटेनमेंट भी करो और अपनी मजहबी प्रैक्टिसेस भी करो। आप दुनिया के अंदर अपना ये इमेज नहीं दे सकते कि आप जो है वो एक दकियानूसी मुल्क हैं और आप बड़ी देर रहा है सऊदी अरब, लेकिन उन्होंने सोचा हम कब तक इस चीज की प्रोटेक्शन करते रहेंगे। अभी तो देखें वो, ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा कमर चीमा को, कमर चीमा हालांकि उस तरीके का व्यू नहीं बता रहे पाकिस्तान का जो रियल व्यू है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको रियल व्यू देखना है तो आप सोशल मीडिया पर जाएं, भारत पाकिस्तान बांग्लादेश कोई भी, अगर कहीं का भी मौलाना सऊदी अरब के बारे में बात कर रहा है उसके कमेंट सेक्शन चेक करें, ट्विटर पर देखें, फेसबुक पर रिएक्शन देखें, हर जगह आप रिप्लाई वगैरह चेक करें, आपको पता चल जाएगा सब कॉन्टिनेंट के मुसलमानों में सऊदी अरब के खिलाफ किस तरीके का कि अलग हेट है। वो तो कोई ये कह रहे हैं कि सऊदी अरबिया कुछ दिन में काफिर बन जाएगा, इस तरीके की बात कर रहे हैं। हालांकि सऊदी अरबिया एक प्रोग्रेसिव बन रहा है, उनको भी पता है कि उनकी इकोनॉमी इन फ्यूचर जो फॉसिल फ्यूल है, जो पेट्रोल वगैरह है, ये सब खत्म हो जाएंगे तो उनकी चलेगी कैसे इकोनॉमी, तो उनको अपना भविष्य देख रहे हैं। और यहाँ के आपको भी पता है यहाँ का क्या है, यहाँ का रोड में नमाज पढ़ो, दूसरों की जगह पर कब्जा करके ये सब करो, और यही चीज़ अगर सऊदी अरबिया में मंदिर बने, चर्च बने, तो इनको प्रॉब्लम है। तो यहाँ के कुछ स्पेशल एक डायलॉग भी कुछ चलता है, एक पुराना कुछ मैंने पढ़ा था कि जो जो नया नया मुल्ला बनता है वो पुराने मुल्ले से, ओरिजिनल मुल्ले से ज़्यादा कोशिश करता है दिखाने की कि मैं और ये मतलब ऐसा हूँ, गड्ढर हूँ, ये मतलब ज़्यादा अच्छा मुसलमान हूँ, इस तरीके की चीज़ें दिखाने की कोशिश करता है। वही कुछ यहाँ पर है बीमारी को वाली। तो अब दोस्तों सऊदी अरेबिया की मर्जी, वो कुछ भी करे, यहाँ के तो बस चीखेंगे चिल्लाएंगे सोशल मीडिया पर ये सब लिखेंगे। और यहाँ के जो मुस्लिम है, अभी कुछ दिन पहले तक आपको याद होगा इंडियन ट्विटर पर ट्रेंड किया था बैन इंडियन प्रोडक्ट इन सऊदी अरेबिया, इंडिया के मुसलमानों ने यह ट्रेंड किया था, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप जाकर ट्विटर सेक्शन पर चेक कर सकते हैं। मतलब वो फेक न्यूज थी, बहरीन ने प्रोडक्ट बैन कर दिया, उसको लेकर यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था। तो आप समझ सकते हो अब क्या मैं सारा कर रहा हूँ। ये वीडियो खत्म करता हूँ, प्लीज अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब।